ना तो हमने कोई पार्टी बढ़ाई है, ना हम किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। एक ने तो लिख दिया गुरु नाम सिंह ने पार्टी बनाई, एक ने उसमें कुछ और बोल दिया पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ना तो मैं कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और ना मैं पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम आंदोलन में साथ खड़े हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा। तब तक आंदोलन लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं जाती। साथियों नमस्कार। साथियों, कई दिनों से एक अफवाह फैल रही है कि मैंने पंजाब के व्यापारियों से मिलकर कोई पार्टी बना ली है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो हमने कोई पार्टी बनाई है, ना हम किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने, पंजाब के व्यापारियों ने हमें एक सेमिनार के लिए बुलाया था और ये कहा था कि मिशन पंजाब में हम समर्थन करेंगे। तो साथियों, आगे जो भी हुआ उसका मेरे को पहले से कोई पता नहीं था और वो मीडिया में फिर और गलत तरीके से छाप दिया गया। एक ने तो लिख दिया गुरु नाम सिंह ने पार्टी बनाई, एक ने उसमें कुछ और बोल दिया पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ना तो मैं कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और ना मैं पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। तो ये अफवाहें कई दिन से मीडिया में गलत खबरें आने की वजह से फैल रही हैं और इसके पीछे कोई षड्यंत्र किसी का भी हो सकता है बदनाम करने के लिए। हम आंदोलनकारी हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम आंदोलन में साथ खड़े हैं। मिशन पंजाब का तो मेरा एक आइडिया था कि जो परंपरागत पार्टियां हैं वो आज दोषी हैं किसान जो देश की पॉलिसी के, उनकी बजाय नए चेहरे पंचायती उम्मीदवार पंजाब के लोग उसमें आगे आके उसमें मिशन पंजाब चलाएं, पंजाब के लोगों को खड़ा करें, जो अच्छे लोग हैं बिना पार्टियों के उनको बीच से खड़ा करें और एक नया सैंपल पंजाब में पेश करके दिखाएं। ये और दूसरा इसका ये था कि जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट से डरती हैं, इससे आंदोलन में और सहयोग मिलेगा, एक नई जो है वो बात सामने आएगी और पार्टियां उससे डरती और बात जल्दी मानेगी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। इन अफवाहों से कृपया बचें और अपने आंदोलन में जैसे पहले आप सहयोग कर रहे थे उसी तरह से सहयोग करते रहें और हम आंदोलन में तब तक आंदोलन लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं जाती, तब तक हम आंदोलन में उसी तरह से भागीदारी करते रहेंगे। धन्यवाद। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। अज पंजाब दा नौजवान अपने आप नूं ठगिया महसूस करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर नौकरी देने का वादा किया पर नौकरी की देनी सी अपने ही मंत्रियों के बच्चों नूं नौकरी दे दी। 10 साल श्रोमणी अकाली दल का राज सी, तकरीबन असी उदों 2,37,000 सरकारी नौकरियां दित्तियां सी ते कई लाख असी प्राइवेट सैक्टर च असी इन्वेस्टमेंट लैके आए सी जिहदे नाल नौकरियां बनियां। मैं वादा करदा सारे नौजवानों नूं कि अगले 5 साल घट तो घट असी 1,00,000 सरकारी नौकरी जरूर देवांगे। इन्वेस्टमेंट पंजाब लियाउणी मेरी प्रायोरिटी होगी, इत्थे इन्वेस्टमेंट भी लैके आवांगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनावांगे, इत्थे हालात ऐ जी बना देंगे कि लोग इत्थे आके व्यापार भी करन, जिहदे नाल घट तो घट 10,00,000 नौजवान प्राइवेट सैक्टर च नौकरी लै सकन। आ वादा मेरा ते साडी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दा सारे नौजवानां नाल है।